इसीलिए हम लोग, जैसा कि आपने देखा है, आज सुबह में प्रभात फेरी कला जनता के माध्यम से विगत दिनों में हम लोगों ने स्कूल के दीवारों पर ये लेखन किया है और अन्य भी कई प्रकार से हम लोग ऐसा, अभी आप देख रहे हैं टीवी पर मुख्यमंत्री महोदय का अभिभाषण होने वाला है, तो ये सारी चीज हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि एक जागरूकता फैले, पूरे राज्य में फैले, खास करके चूंकि हम लोग कटिहार में हैं तो कटिहार के लिए मैं विशेष रूप से कहूँगा कि इसको पूर्ण रूप से सफल करने के लिए जन भागीदारी बहुत ही आवश्यक है, बच्चों की भागीदारी इसमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि बच्चे अगर देखते हैं कि घर में कोई भी व्यक्ति जो उनका पिता भी हो सकता है, अन्य कोई रिलेटिव हो सकता है, अगर वो लोग नशा सेवन करते हैं तो बच्चों की बात टालना बड़ा मुश्किल होता है। तो बच्चों से विशेष करके मेरा अनुरोध रहेगा, यदि वो अपने परिवार में किसी को नशा सेवन करते हुए देखते हैं तो उन्हें ज़रूर से रोके अपनी ओर से, क्योंकि बच्चे अधिक जागरूक होते हैं बड़ों से, ऐसा मैंने शुरू से ही देखा है और बच्चों की बात भी हम लोग मानते हैं। हमारे साथ मंच पर उपस्थित एनजीओ के भी लोग हैं, इनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। कई लोग नशा विमुक्ति के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करते हैं और विगत दिनों में हमने देखा है कि जहरीली शराब के कारण राज्य में कई जिलों में कई लोगों का डेथ भी हुआ है। तो चूंकि हम लोग नशा विमुक्ति वाले राज्य में हैं तो जहरीली शराब जो कि इधर उधर से छुप करके या तो आती है या उसको किसी प्रकार से बनाया जाता है, वो बहुत ही मतलब उसका सेवन करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। हम लोग सबने देखा है कि डेथ तो कई केसेस में हुए हैं, उसके अतिरिक्त कई लोग की आंखें भी चली गई हैं, अन्य भी गंभीर बीमारियों का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। गरीब व्यक्ति अगर इसका सेवन करता है तो अच्छा होगा, वो शायद वो लोग उसको सहन भी नहीं कर सकते हैं, चूँकि हेल्थ की व्यवस्था हमने देखी है कि हमारी बहुत अच्छी हुई है, फिर भी अक्सर के लोग मौजूद हैं, हम लोग पूरी शक्ति से इसको लागू कराएंगे। आम जन से यह अनुरोध है कि वो लोग नशा विमुक्ति को अपने अपने घरों में आसपास में इसको लागू करने में हमारी मदद करेंगे। यदि शराब से संबंधित किसी भी गतिविधि में शामिल पाया जाऊंगा तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई का भागीदार बनूंगा। बहुत धन्यवाद सब लोग कला प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, ये तीन तरह की प्रतियोगिता हुई थी जिसमें 6-8 और 9-12 ये दो हमारे ग्रुप में ये कार्यक्रम प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और इसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है उनको सम्मानित करते हुए सारे बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में उसे प्रोत्साहन प्रमाण पत्र भी उनको देकर उनको नवाजा जाएगा। निबंध प्रतियोगिता में फर्स्ट पायदान पर हमारी सादिया नाच मध्य विद्यालय मिर्जावाड़ी हमारे दुर्गागंज, वाद विवाद प्रतियोगिता में कुमारी कविता मध्य विद्यालय महादेवपुर प्राणपुर, ये हमारे बच्चे अपनी प्रतिभा के माध्यम से बहुत ही अच्छी इन्होंने प्रस्तुति की थी। नहीं निबंध प्रतियोगिता में सिमरन कुमारी हरिशंकर नायक उच्च विद्यालय प्रथम स्थान प्राप्त की है, सिमरन कुमारी निबंध प्रतियोगिता। दूसरे स्थान पर
निबंध प्रतियोगिता कन्हैया कुमार हरिशंकर नायक उच्च विद्यालय, तृतीय स्थान निबंध प्रतियोगिता रईसी अंजुम उत्क्रमिक माध्यमिक विद्यालय हरनागर आजमनगर।